भरोसा है इतना उन्हें। और अब एक बहुत खास मैच आने वाला है, वीर सैन मनीष कुमार स्पेशली एबल्ड कैटेगरी 99 से अब कहां पहुंचे हैं कोची केडीज, आइए उस स्कोर पर बढ़ेंगे। एक आखिरी मुकाबला बचा है, 2-0 से इस फिक्स्चर को तो जीत लिया है कोची केडीज ने। बड़ौदा बादशाह के लिए आज अंडरकार्ड में शुरुआत वैसी नहीं रही जैसा वो चाह रहे थे। फिलहाल हम हाइलाइट्स पर जल्द से एक नजर डालते हैं, किस तरह से आज के पिछले 5 मैच नजर आए। इस फिक्स्चर के हाइलाइट देखते हैं, प्रिंस कुमार और सरबजीत सिंह। प्रिंस ने किसी प्रिंस से कम प्रदर्शन नहीं दिखाया, बिल्कुल राजाओं और महाराजाओं की तरह सरबजीत सिंह को हराया उन्होंने। एक तरफा था वो मुकाबला और लगभग एक तरफा मुकाबला उसके बाद भी, जब चेतना शर्मा आई अपने मन के अनुसार लड़ी, अपने मन के अनुसार उन्होंने पिन करने का समय चुना। नीतू वर्मा पास कोई मौका नहीं था। अगले स्पेशली एबल मुकाबले के लिए सुनते हैं हमारे होस्ट से। स्पेशली एबल्ड मुकाबले पर पहुंचने से पहले ये एक मॉन्यूमेंटल, ये एक मोमेंट जो है अभी, दिस इज वेरी स्पेशल एंड आई थिंक वी कांट लेट इट जस्ट गो, क्योंकि प्रो पंजा लीग का ये सीजन 1 है और इसमें बहुत सारी चीजें पहली बार होंगी, बट जब वो होंगी तो उन्हें सेलिब्रेट करना तो बनता है इंडिया। और पहली बार प्रो पंजा लीग में किसी टीम का पॉइंट सेंचुरी तक आ गया है, फर्स्ट टीम टू गेट टू 100 पॉइंट्स इन प्रो पंजा लीग एवर, दिस विल बी वेरी वेरी स्पेशल कोची केडीज। वेल वेल वेल, दिस डे विल बी वेरी स्पेशल फॉर अस इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर, टू सी ये अपनी लीड बढ़ाते हैं या बड़ौदा अपनी लीड और आगे, या बड़ौदा आ जाते हैं टुवर्ड्स द टॉप इन दिस कैटेगरी व्हिच इज द स्पेशली एबल्ड कैटेगरी। इंडिया प्लीज वेलकम फ्रॉम द कोची केडीज, ही हु इज अ स्टेट चैंपियन, ही हु इज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड ऑल्सो अ नेशनल silver medalist in his category, from the Kochi KDs, Veer San. Veer San aaj ye yahan pahunch paaye hain bahut sari chunautiyon ko maat dekar, kai sari pareshaniyon ne inhe rokne ki koshish ki, lekin jeete Veer San। नेशनल लेवल पर मेडल्स और उपलब्धियां कई सारी, यहां उनके साथी आसिफ अहमद नजर आने वाले थे लेकिन उनके बदले वीर सैन को भेजा गया है मनीष कुमार के सामने। क्या कोची केडीज को 101 पर पहुंचा पाएंगे जीत दिलाकर वीर, जल्द पता चलेगा। ऑलराइट, और इनके अगेंस्ट आ रहे हैं, पूरा इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़ने जाएंगे तो शायद आज 9 बज जाएंगे रात के, विच इज वाई वी विल कीप इट वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये अपने स्पोर्ट के लेजेंड है। इंडिया प्लीज वेलकम अ 20 टाइम्स मेडलिस्ट एट नेशनल लेवल, समवन जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन इंग्लैंड, ब्राजील, बल्गेरिया, कजाकिस्तान, Turkey, Malaysia, and so many more. And also, इन्हें अपॉइंट किया गया है by the government on the advisory board for sports policy. Please welcome the legend himself from the Baroda Bachas, Manish Kumar. बहुत लेजेंडरी फिगर हैं ये इंडियन आर्म रेसलिंग के, लगभग 3 दशक का इनका आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है।
रैंकिंग टूर्नामेंट में तीसरी रैंक लेकर आए थे, लेकिन पहले दोनों खिलाड़ी चंदन कुमार बेहरा और श्रीनिवास बीवी के साथ जो टक्कर के मैचेस इन्होंने दिए थे, पूरे क्राउड को ऑन द टोज लेकर आ गए थे। वहां पर इन्हें अपने गेम में एक कमी महसूस हुई कि इनके शोल्डर में जो मैच को फिनिश करने की ताकत थी वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि जीत के बिल्कुल पास आते आते वहां हार गए थे। आज उस चीज में बदलाव कर कर आए हैं दोनों ही खिलाड़ी, यहां पर डेब्यू कर रहे हैं। जीत किसे मिलेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। काफी मजबूत खिलाड़ी हैं वीर सैन, लेकिन यहां पर उनका मुकाबला हो रहा है एक लेजेंडरी खिलाड़ी से। मुश्किलें बहुत बनी हुई हैं। जब आप एक लेजेंड के सामने लड़ते हैं, उतरते हैं मैदान में प्रदीप, तो आप इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां देखिए इतिहास रच दिया है कोची केडीज ने। बन गई है पहली टीम प्रो पंजाब लीग में जिन्होंने सेंचुरी मार दी है, एक शतक, 100 पॉइंट्स कोची केडीज के नाम। और दूसरा जो स्थान है वो कहीं ना कहीं टाई है, पर 8 मुकाबले हुए हैं मुंबई के, तो इसीलिए 7 मुकाबलों के साथ किराक हैदराबाद थोड़ी सी वो एज लेते हुए। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था प्रदीप, जब आप एक लेजेंड के सामने आते हैं इतने बड़े मंच पर, तो आप क्या कहते हैं खुद को, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं मौका बनाने के लिए? स्पीड और स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा काफी ज्यादा पावर के साथ, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा स्पीड के साथ। बिकॉज अगर आप एक चैंपियन खिलाड़ी के साथ स्लो गेम खेलेंगे, देखिए यहाँ तो स्पीड भी मनीष कुमार ही दिखा रहे हैं, 2-2 बार पिन कर दिया, ओपोनेंट को पता ही नहीं लगने दिया, इतना ज्यादा पावर का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुक में लिया और आसानी से उस मैच को खत्म कर दिया। रेफरी रुकने के लिए भी नहीं बोल पाए, विनर घोषित भी नहीं कर पाए, इतने में एक बार और पिन कर दिया। साइज में भी दोनों प्लेयर्स के काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के जो मैचेस होते हैं उनमें कोई अलग से वेट कैटेगरी नहीं होती, और आपको एक चैंपियन का सामना अपने डेब्यू मैच में करना पड़ जाए तो किसी का भी मनोबल डाउन हो सकता है। कोई ना कोई अलग कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर वीर सैन, नाम में ही वीर है तो घबराएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कितनी ताकत आज दिखा पाते हैं चलिए देखते हैं। साइड चेंज, वीरो जैसा काम कर दिखाना होगा अब वीर सैन को, क्योंकि उनके सामने मनीष कुमार एक दिग्गज, एक लेजेंड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा चुके हैं मनीष। बड़े मंच पर लड़ने खेलने की आदत है उन्हें, खुद पर भरोसा दिखाना होगा, आत्मविश्वास को ऊंचा रखना होगा। आज के दिन अंडरकार्ड में एक भी मैच 3 राउंड तक नहीं गया है, हर मैच 2 राउंड में समाप्त हुआ है। क्या वीर यहाँ उस बात, उस कहानी में ट्विस्ट ला सकते हैं? रेफरी शिवा यहाँ पर मेन रेफरी, डोंट मूव, 4 रेफरी मौजूद हैं स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के मुकाबले के लिए। पीछे आप देख सकते हैं दोनों अंतर्राष्ट्रीय कोच किस तरह से प्रोत्साहित करने में लगे हैं दोनों को। यहाँ कलाई मोड़ दी है अपने तरफ मनीष कुमार ने, आधे ही क्षण में, आधे ही सेकंड में सेकंड राउंड को समाप्त किया, और छठा 2 राउंड में समाप्त होने वाला मैच हमें नजर आया है। मिसेस प्रीति जांगियानी बेहद खुश उस जीत को देखते हुए, उस प्रदर्शन को देखते हुए, और बाइसेप्स देखिए, बाजुओं को देखिए, क्या ताकत है मनीष कुमार की। त्रिदीप मेहदी बड़ौदा के सुपरस्टार आकाश कुमार से जीते थे कुछ दिन पहले, आज एक्शन में नजर आएंगे फिर आकाश कुमार के सामने। क्या दिन है आज लाइट अप आप सभी के लिए। कोची केडीज ने यहाँ इस फिक्स्चर को जीता है, लेकिन अंत में मनीष कुमार ने बड़ौदा बादशाह को वो एक जरूरी पॉइंट दिला दिया इकलौती जीत के साथ।